गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सभी, होप करता हूँ भाई सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और भाई थंबनेल को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, अगर नहीं लगा तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बाइक पे। भाई एन एस पावर आपको पता ही है कितनी ज़्यादा एन एस पिछले काफ़ी टाइम से बजाज एन एस पे काम कर रही है और नई नई बाइकें निकाल रही है। तो भाई आज एक भाई मिला था, बहुत मुश्किलों से ये बाइकें मिलती हैं, तो फटाफट से मैंने सोचा यार इसका डिटेल रिव्यू बना लेते हैं, कंपेयर भी करेंगे वो N160 के साथ और मैक्सिमम वीडियोज़ आज ही शूट कर लेंगे क्योंकि कभी कभी आना होता है फिर मिल नहीं पाते। तो इस वीडियो में भाई सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी कि NS200 में आपको 2023 मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या कंपनी ने अपडेट करके दिया है और क्या आपको अपडेट नहीं मिलता है और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं वो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं कैमरे के पीछे चलता हूं, फटाफट से आपको इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन बताता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि कौन सी ज़्यादा बेटर है और किस में क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या रखती है और किस में कैसे बेनिफिट्स इस 2023 मॉडल में मिले हैं, क्योंकि 2022-2021 से जो चल रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ बदला है 2023 को लेके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ कैमरे के पीछे। तो भाई सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल वॉक अराउंड दूँ बाइक का तो आप देख सकते हो कुछ अलग यार, नेकेड वाली जो बाइक है ना NS की, 125 हो, 160 हो, NS 200 हो, अभी तक की जो बेस्ट है नेकेड पने में। तो भाई आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है और जो मतलब NS के जो लवर है ना यार बहुत ही ज़्यादा है, NS की फ़ैन फॉलोइंग भाई बहुत ज़्यादा है N160 के कंपैरिजन में भी और अदर बाइकों के कंपैरिजन में भी। तो फ्रंट लुक से बात करते हैं भाई, मॉडिफिकेशंस को छोड़ देना, मैं स्टॉक की बात करूँगा, मॉडिफिकेशन की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले भाई फ्रंट की साइड आप देख लो, कुछ इस तरीके से आपको इसकी लुक मिल जाता है। और अब बात करते हैं भाई सबसे पहले फ्रंट टाइप में, तो फ्रंट टाइप में भाई अपसाइड डाउन आपको इसमें इसका सस्पेंशन मिल जाता है, जैसा कि USD Fox जिसको बोलते हैं, USD Fox के साथ मिलता है। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, पहले इसमें टेलीस्कोपिक आता था, N160 में अभी भी टेलीस्कोपिक आता है। इस सस्पेंशन के मामले में भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है NS200 ने। अब बात करता हूँ भाई इसके व्हील के बारे में, तो भाई ये आपको दिख रहा होगा N160 जैसा आपको डिस्प्लेट मिल जाए भाई, 300mm का काफ़ी अच्छा बड़ा डिस्प्लेट मिलता है इसमें फ्रंट में। और भाई ये आपको कुछ नई चीज़ दिख रही होगी, ये भाई ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है, ग्रैमी का भी कैलिपर है इसमें, बायब्री के होते तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा होता लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो गया है, ग्रैमी का कैलिपर इसमें यूज़ किए गए हैं, ड्यूअल चैनल ABS के साथ 2023 मॉडल में आई हुई है। और रिम भी भाई अलॉय व्हील भी बिल्कुल, मतलब अलॉय व्हील में कोई भी फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, तो अलॉय व्हील बिल्कुल आपके N160 के जैसे हैं। टायर सेक्शन की बात करूँ तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 180 का टायर, यूरो ग्रिप का आपको रेडियल टाइप में टायर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है ऑन रोड जब आप इसको चलाते हैं। थोड़ा सा साइड में आता हूँ तो भाई इसका लुक देख लो आप, और सबसे ऊपर आता हूँ तो भाई ये E20 मॉडल के साथ आती है, आप चेक कर लो, E20 मॉडल के साथ आती है, E20 फ्यूल इसमें कंपैटिबल है। अब आ जाते हैं भाई ऊपर आए तो टैंक की बात कर लेता हूँ, टैंक इसमें आता है आपको 12 लीटर का, थोड़ा सा कम मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू N160, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट 12 लीटर का टैंक भी काफ़ी ज़्यादा इनफ है। साथ में आपको ये प्यारा सा जो पुराना NS का ट्रेंड है ना, ये प्यारा सा NS का ट्रेंड आपको जो टैंक पैड मिलता है हमेशा से देते हैं भाई NS में, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। और साइड में आपको कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग स्टिकरिंग मिल जाती है, और ये थोड़ा सा जो है ये फाइबर का है, ये आपका मेटल का मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी ग्लोसी टच के साथ यहाँ पे आपको NS200 का लोगो मिल जाता है। साइड में भैया आपको इसको में अभी ये जो देख रहे हो भाई इसका क्रैश गार्ड लगा हुआ है बट ये आफ्टर मार्केट है तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं भाई इंजन के बारे में, DTSI इसका इंजन है, ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड इंजन है, फोर वॉल्व का इसमें इंजन मिल जाता है, 199.4 सीसी का इसमें इंजन है। सो भाई पावर की बात कर लूँ ना तो NS के बाद, मतलब NS पे जब बात आती है ना तो पावर भाई भर भर के पावर मिलती है आपको, कहीं भी लैक ऑफ पावर नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ भी सोचो भाई लैक ऑफ पावर बिल्कुल नहीं होता। NS मेरा भी मन था लेने का लेकिन NS में कुछ चीज़ें अभी मैं बताऊँगा जो कि नहीं दी गई हैं, वो उसकी वजह से मैंने NS नहीं ली, उसी की वजह से मैंने N ली थी। और पावर की बात करूँ तो भाई 24.5 PS की पावर मिलती है और 18.75 का न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क मिल जाता है, जो कि भाई जब आप इसको भगाओगे ना तो अच्छी खासी 140-150 तक की स्पीड आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये है भाई इसका पावर का। अब आ जाते हैं थोड़े से भाई रियर साइड के बारे में, रियर साइड इसमें फुटरेस्ट मिल जाते हैं आपको ब्लैक कलर के, ये भी फुटरेस्ट ब्लैक कलर का है, ब्रेकिंग इसमें आपको पता ही भाई ड्यूअल चैनल ABS के साथ मिलता है, अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है छोटा सा इसमें, एंड में थोड़ा सा बाहर दे रखा है लेकिन इसमें और भी ज़्यादा छोटा है, रैप इसका साउंड मैं आपको बाद में सुनाने वाला हूँ, साइड स्टैंड इसमें मिल जाता है, सेंटर स्टैंड में इसमें मिल जाता है, दोनों स्टैंड के साथ ये बाइक आती है।
अब आ जाते भाई रियर साइड के बारे में, तो आपको ये सस्पेंशन दिख रहा होगा रेड कलर का, भाई इसमें मिलता है मोनोशॉक का सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बात कर लूँ इसके भाई थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बिल्ड क्वालिटी अगर मैं देखूँ भाई टायर अगर पे, भाई बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है। वहीं मैं अगर आपको साइड में फ्रंट में दिखाऊं तो सिंगल टाइप का आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी भी भाई थोड़ी सी, आप देखो ये देख रहे हो कैसे हिल रहा है, तो ये थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी यार एनएस वालों इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में अपडेट करो, क्योंकि रियर टायर अगर थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट टायर अगर। और वहीं मैं बात करूँ तो भाई इसके रियर टायर सेक्शन के बारे में, तो भाई इसमें डिस्प्ले मिलता है आपको 280 mm का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अलॉय व्हील आपको सेम मिलते हैं N160 वाले ही। और टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको टायर आपको मिल जाता है इसमें 130x70 का, जो कि काफ़ी अच्छा वाइट टायर आपको लगता है, ये आप चेक कर सकते हो। पीछे एग्जॉर का लोगो है, भाई की बाइक का नंबर है। और टेल LED के बारे में बात करो तो भाई इसमें LED मिलती है अभी भी, लेकिन अभी बात करो तो भाई इसके साइड के बारे में, साइड में आपको भाई ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्यारा है। अभी इसकी लाइटिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको NS200 का भाई प्यारा सा ग्लोसी टच के साथ आपको मिल जाता है। और अब मैं बात कर दूँ भाई इसकी कुशनिंग की, तो आप देखो भाई कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एज़ पिलियन के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिसकम्फर्ट हो सकता है, बट राइडर के लिए काफ़ी अच्छा है। वाइड सीट है, काफ़ी ज़्यादा लंबी सीट है, तो अगर आप पिलियन के साथ लॉन्ग राइड करते हो या सिंगल लॉन्ग राइड करते हो, आप अपने यहाँ पे सामान भी बांधते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि राइडर सीट आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा चौड़ी भी है लंबी भी, काफ़ी अच्छा राइडिंग पोस्चर बनता है। और हैंडलिंग तो यार NS की यार हैंडलिंग आपको पता ही है बहुत ही अलग है, मतलब NS अलग है यार, थोड़ा सा मेरे को लगता है अलग है। बट इस सेक्शन की बात करूँ तो आपको 6 गियर बॉक्स के साथ आपको ये बाइक मिलती है, यानी कि 6 गियर आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये भाई अलग सेगमेंट की बाइक है, 200 सीसी की बाइक है, तो भाई 6 गियर के साथ तो बनती है यार, इतना तो है। और अब आ जाते हैं भाई इसके मीटर कंसोल के बारे में, मीटर कंसोल आपको दिखता है भाई फुली इस तरीके का, सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल, जैसा कि NS अभी तक चलाती हुई आ रही है आपके ट्रेंड में। तो NS के पास यार अभी तक NS वालों ने कोई भी मीटर में ना आपको बदलाव नहीं किया है अभी तक, जितना भी है सब ऐसे ही है। यहाँ पे इसका RPM मीटर मिल जाता है पूरा डिजिटली, और जैसे हम इसकी की को ऑन करते हैं तो भाई इस तरीके का इसका मीटर कंसोल मिल जाता है। अब मैं मीटर कंसोल के बारे में बात करूँ तो आप देखो भाई यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको इसकी न्यूट्रल लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर पोजीशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको बैटरी मॉल फंक्शन मिल जाता है, हाई बीम का इंडिकेटर मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का, यहाँ पे आपको लो इंजन ऑयल का लाइट मिल जाती है, ये आपको टेम्परेचर का लिमिट साइन मिल जाता है, यहाँ पे आपका बजाज का लोगो मिल जाता है प्यारा सा। और जैसे आप इसको ऑन करोगे आपको यहाँ पे इंजन चेक लाइट की, यहाँ पे आपके इंजन में कोई भी खराबी आती है तो आपको ये इशू आता है तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा कंजेस्टेड सा मेरे को इसका कंसोल लगा एज़ कम्पेयर टू N160, क्योंकि उसमें अलग थोड़ा सा दिया हुआ है, ये अलग बात है। और ये है भाई ABS की लाइट, यहाँ पे आपको ABS की लाइट मिल जाती है। इधर आऊँ तो मैं भाई इसमें न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है, ये आपकी RPM लिमिट मिल जाती है, यहाँ पे आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, बहुत छोटू सा है बट आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे आपको इसमें टाइम भी मिल जाता है, ये आपका स्पीडोमीटर है कि कितने किलोमीटर की स्पीड से आपको आपकी बाइक रन कर रही है। यहाँ पे बात करो तो भाई यहाँ पे आपको ओडो मिल जाता है, अभी देखो भाई 4252 2023 मॉडल है, 4200 किलोमीटर चल चुकी है। ये आपका मोड का स्विच है, ये आपका सेट का स्विच है, आप इसे मोड पे आओगे तो ट्रिप वन, मोड पे दोबारा प्रेस करोगे तो AFE, इसमें अलग सिस्टम है। ये आपका सर्विस रिमाइंडर आ गया है और ओडो, यानी कि इसमें ट्रिप वन ही मिलती है। राइडिंग पोस्चर भाई कुछ अलग है यार, क्योंकि थोड़ा सा हैंडल नेकेड टाइप की बाइक है तो नेकेड टाइप का हैंडल इसका बना रखा है। और मिरर भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, क्योंकि मिरर की बात है ना भाई, मतलब छोटे से मिरर हैं, आपको ज़्यादा वाइड भी नहीं है और ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी मेरे हिसाब से तो। और जो इसका हैंडल है ना भाई बिल्कुल अलग है, देखो 200 का हैंडल यार बिल्कुल अलग दे रखा है। इग्निशन बंद करते हैं, अब बात करते हैं इसकी कुछ और चीज़ों पर जो कंपनी ने नहीं दी है। भाई फ्रंट से दिखाऊं तो लुक ऑलमोस्ट सेम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई अभी तक कि इसमें अभी भी भाई हेलोजन लाइट आती है। मेन रीज़न मेरा नहीं लेने का इसमें यह था कि इसमें अभी भी आज के टाइम पे भी 2023 में भी इन्होंने हेलोजन लाइट दे रखी है, तो भाई इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। हेलोजन इंडिकेटर दे रखे हैं, 200 सीसी की बाइक में भी भाई हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन हेडलैम्प, मेन भाई इसका हेडलैम्प है, नीचे दो प्यारी सी लाइट दे रखी है, बट इनका कोई मेरे को वैल्यू नहीं लगती। बट सबसे मेन वैल्यू रखती है भाई ये
हेलोजन इंडिकेटर जो कि आपको नहीं देने चाहिए भाई एनएस वालों, थोड़ा सा आप मैनेज करो इस बात को लेके। अब मैं बाइक को भाई स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि स्टार्ट करने पे क्या क्या जलता है क्या नहीं जलता, मेरे को भी एक्चुअल में पता नहीं है। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा भाई, ये एक तो भाई इसकी नॉन ऑफेबल इसकी लाइट है, आपको वाइट देखो रोशनी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, बट हेलोजन हेलोजन नहीं होता है, एक टाइम के बाद आगे वीक हो जाता है। और साथ में आपको ये हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। वहीं मैं इसके टेल सेक्शन के बारे में बात करूँ तो टेल सेक्शन में मैंने पहले ही बताया था, इसमें आपको LED मिलती है और हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर इसके कंट्रोल सेक्शन की बात करूँ तो भाई आपको यहाँ पे लो बीम हाई बीम मिल जाता है, पास का स्विच मिल जाता है, साथ में इसका हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न से ज़्यादा भाई मैं इसका हॉर्न भी सुना देता हूँ, इसमें सिंगल हॉर्न है या ड्यूअल हॉर्न है, सिंगल हॉर्न इसमें मिल जाता है, देखो आप चेक कर लो, सिंगल हॉर्न इसमें आपको मिलता है। साथ में यहाँ पे इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपका ब्रेकिंग ऑयल मिल जाता है जो हमारे फ्रंट के लिए है, यहाँ पे भाई ने कुछ मॉडिफिकेशन करा रखे है स्विचिंग के लिए। तो भाई अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और अब इसके प्राइस की बात कर लेता हूँ। सो भाई इसके प्राइस की मैं बात कर लूँ, अगर प्राइस की बात करूँ तो भाई इसका प्राइस मिलता है 182,000, नोएडा का प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस आप जाके पता कर सकते हो। तो 182 में मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लाइक आप अगर मैं बात करूं उसकी बजट और 100-200 सीसी की बाइक की तो बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली बाइक है, इकोनॉमी बाइक है और ड्यूअल चैनल ABS के साथ आने लगे। सबसे अच्छी बात है कि ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है और हैंडलिंग और पावर, ये चार पांच चीज़ें जो है ना NS की बहुत ही अच्छी लगी हैं। जो मुझे कमी लगी भाई उसमें इसमें हेलोजन हेडलैम्प की कमी लगी, वो और होता तो भाई बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता, और अगर टायर सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होता फ्रंट का भी तो यार थोड़ा सा और अच्छा लगता। बट ऑन एन एवरेज मैं बताऊं तो भाई बहुत ही अच्छी बाइक है। इस बजट रेंज में आपको 200 सीसी में इतनी सारे फीचर्स नहीं मिल सकते हैं विद ड्यूअल चैनल ABS, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फीचर है भाई ड्यूअल चैनल ABS। तो अब बात करते हैं भाई इसके, स्टार्ट करता हूं मैं इसको। ये भाई इसका विदाउट रैप की है, इसका एग्जॉस्ट है, ये आप चेक कर लो। अब मैं इसको रैप करता हूँ, तो ये भाई आपने चेक कर लिया इसका एग्जॉस्ट साउंड, थोड़ा सा क्लासी टाइप का है, ओल्ड NS टाइप का है, ओल्ड NS टाइप का है, तो वो आप चेक कर सकते हो भाई। ये था इस वीडियो में, बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो इस बाइक से रिलेटेड तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन भाई की बाइक है भाई, ये उनका नाम है मिक्की राइडर 04, इन भाई के चैनल को भी सपोर्ट करो, इन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इनके चैनल पर भी आपको बहुत सारी बाइक की रिलेटेड वीडियो मिल सकती हैं। तो भाई आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, आपको पता है भाई वीडियो को लाइक करना है अब, और वीडियो पे कमेंट करके बताना है कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई भी इशू है या कोई भी चीज़ मैंने गलत बोली है उसको करेक्ट करना है। तो ये था इस वीडियो में, तो भाई आप जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। आने वाले दिनों में मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स के ऊपर, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए N160 NS सभी से रिलेटेड, MT से रिलेटेड। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, बाय।